गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग एक बाइनरी सर्च ट्री में सर्च कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी की हमको दी हुई है और एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है तो कैसे उसको सर्च करें कि वो मौजूद है उस ट्री के अंदर या नहीं है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या सबसे पहले तो एक बाइनरी सर्च ट्री बना लेता हूँ ठीक है एक बाइनरी सर्च ट्री मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ मैं यहाँ पर लिखूंगा पचास ठीक है यहाँ पर पचास लिखा मैंने पचास से छोटा यहाँ पर रहेगा मान लो चालीस मैंने लिखा यहाँ पर और यहाँ पर मैं पचास से बड़ा यानी कि साठ लिख दूंगा कुछ भी लिख सकता हूँ मैं एक सैम्पल बी बना रहा हूँ यहाँ पर छोटा यानी कि बीस और यहाँ पर कुछ बड़ा मैं लिख दूँगा लेटर से पैंतालीस ठीक है और यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा लेटर से पचपन और यहाँ पर लेटर से मैं लिख रहा हूँ सेवेंटी और ये एक बी है ठीक है ये एक बी है अब इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मुझे लेटस से एक की को सर्च करना है ठीक है और मान लो वो की मेरी सिक्सटी है और लेटस से फिफ़्टी फाइव है ठीक है फिफ्टी फाइव ठीक है तो यहाँ पर मुझसे पूछा जाता है कि यार इसको सर्च करो अच्छा बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि यार ये ट्री बाइनरी सर्च ट्री क्यों बनाया जा रहा है ठीक है तो मैं आप लोगों को इसकी एक एप्लीकेशन बताता दूँ कि क्यों आप लोग बाइनरी सर्च ट्री बनाना चाहेंगे बाइनरी सर्च ट्री बनाने से क्या होता है कि जो सर्चिंग होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है अब कैसे फास्ट होती है देखो हम अपनी सर्च स्पेस को हर बार एन बाय टू में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि अगर हम पहले पचास एलिमेंट्स में खोज रहे थे तो अब हम लोग खोजेंगे पचास बाय टू यानी कि पच्चीस एलिमेंट्स के अंदर तो यहाँ पर हमारी जो सर्च स्पेस है वो घटती चली जाती है घटती चली जाती है और घटती ही चली जाती है क्या मतलब क्या हुआ यार इस बात का चलो बता ही देता हूँ आप लोगों देखो यहाँ पर बात कुछ ये है कि अगर मान लो कि मुझे पचपन को सर्च करना है तो मैं सबसे पहले तो रूट से स्टार्ट करूंगा मैं कहूंगा क्या रूट मेरी पचपन है क्या ये पचपन है ऑब्वियसली ये पचपन नहीं है यार ये पचास है तो मैं कहूंगा कि अब मुझे इससे बड़ा देखना है यानी कि पचपन को देखना है सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूंगा इस पचपन यानी कि द की विच इज विच वी आर सर्चिंग पचपन पचास से बड़ा है या छोटा है ऑब्वियसली बड़ा है तो मैं लेफ्ट सेप्ट्री में इसको देखूंगा या राइट सेप्ट्री में देखूंगा मैं इसको ऑब्वियसली राइट right में देखूंगा यार बड़ी की है तो वो यहीं पर होगी कहीं ना कहीं यहीं पर होगी ठीक है तो मैंने जो है इस ट्री को डिस्कार्ड कर दिया ये जो लेफ़्ट वाला था इसको मैंने यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया यहाँ पर अब ये नहीं मिलेगा मुझे पचपन आई एम डैम श्योर कि मुझे पचपन यहाँ पर मिलेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पचपन को अब खोजूंगा इस वाले जो मेरा राइट right सब ट्री है उसके अंदर ठीक है अब मैं आ जाऊंगा यार राइट सब ट्री के अंदर अब मैं कहूंगा कि यार ना ये पचपन था और ये सारों को मैं क्रॉस कर दूंगा यहां पे भी नहीं है पचपन इनमें से कहीं हो सकता है ठीक है यानी कि यहां कहीं इस वाले सब ट्री में तो मैं यहां पर सेम चीज़ करूंगा इसके लिए रिपीट मैं कहूंगा क्या ये पचपन है मैं कहूंगा नहीं ये बचपन नहीं है क्या पचपन इससे बड़ा है हाँ बड़ा है तो सॉरी बड़ा नहीं है छोटा है तो बचपन का होगा इसके लेफ्ट सब ट्री में होगा यहां पर देखूंगा क्या ये बचपन है हाँ ये पचपन है और मुझे पचपन मिल जाएगा ठीक है तो मैं कह दूंगा कि यार पचपन इस बाइनरी सर्च ट्री में मौजूद है ठीक है ये हो गया हमारा एक बात ठीक है अब यहाँ पर ये भी हो सकता था कि पचपन इस बाइनरी सर्च ट्री में मौजूद नहीं है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता था तो अगर ऐसा होता तो मैं क्या होता किसी ना किसी लीफ नोड में पहुँच जाता और वहाँ पर फिर मुझे फर्दर सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं, नहीं नज़र आता नीचे और मैं यहाँ पर कंक्लूड कर देता कि पचपन इस बाइनरी ट्री में मौजूद नहीं है ठीक है तो अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा तेज़ अब बताऊं आप लोगों को तो कुछ इस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार 45 सर्च करो ठीक है तो आप कुछ इस तरह से आओगे छोटा बड़ा छोटा यानी कि यहाँ कहीं होगा छोटा या बड़ा बड़ा तो यहाँ कहीं होगा और यहीं पर है ठीक है पैंतालीस तो इस तरह से आप लोग जो है सर्च कर सकते हो एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मैं ज़रा यहाँ पर ये जो रेड वाली लाइन्स है इनको मिटा देता हूँ और अगर ये बी एस टी ज़रा सोचो बहुत बड़ा होता अगर ये बहुत बड़ा बी एस टी होता तब तो कितना आसान हो जाता हम लोगों के लिए सर्च करना इस बी एस टी के अंदर ठीक है तो यही सुविधाएं ऑफ़र करता है हमको बाइनरी सर्च ट्री मैं ज़रा यहाँ पर यार जो मेरा ट्री है इसको ढंग से बना लेता हूँ एरो एरो लगा लेता हूँ यहाँ पर ताकि ये अच्छा दिखे सुंदर दिखे ठीक है अच्छा अगर बात करी जाए कुछ इस प्रकार की कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की तो कैसे पता चलेगी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगा थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ जहाँ पर हम लोगों ने बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ा था वहां हम लोगों ने यह देखा था कि यार अगर एक से लेकर सौ तक हमारे पास नंबर लाइन में नंबर्स हैं कुछ इस तरह से ठीक है और 50 यहाँ पर है लेटर से पिछहत्तर यहाँ पर है अब आप लोगों को एक से लेके 100 तक मान लो लेटर से आप लोगों को इस एरे में सर्च करना है सॉर्टेड एरे में सर्च करना है आप लोगों को 75 को या फिर 70 को करना है लेटर से सर्च ठीक है तो अब क्या करोगे आप कहोगे कि यार मैं एक से लेकर सौ तक सर्च करूँगा ठीक है क्या कहोगे आप एक से ले कर सौ तक मैं सर्च करूँगा और आप लोग कहोगे यहाँ पर है मेरा जो नंबर है तो आपकी जो सर्च स्पेस है वो है वन और हंड्रेड आप कह रहे कि मेरा नंबर वन और हंड्रेड के बीच में है अब आप क्या करोगे इसके मिड पॉइंट पर आओगे यहाँ पर इसको यहाँ पर पचास पर आप आ जाओगे और इसके बाद आप अपने आप से सवाल पूछोगे क्या पचास ये नंबर है जो आप सर्च कर रहे थे नहीं पचास ये नंबर नहीं है क्या नंबर पचास से बड़ा है या छोटा है बड़ा है तो आप क्या कर रहे हो आप यहाँ पर इतने एलिमेंट्स में आप देखोगे वापस से आप इसके मिड पॉइंट पचहत्तर पर आओगे आप कहोगे क्या ये नंबर पिछहत्तर पिछहत्तर से बड़ा है या पिछहत्तर से छोटा है ऑब्वियसली ये सत्तर जो है वो पिछहत्तर से छोटा है तो आप लोग अब यहाँ पर सर्च करोगे ठीक है और इसी तरह आप कन्वर्ज हो हो, हो, हो हो के हो के सत्तर तक पहुँच जाओगे और आपको आपका नंबर मिल जाएगा तो हर बार जिस तरह इस नंबर लाइन में यानी कि जो बाइनरी सर्च मेथड था उसमें हम जिस तरह से नंबर लाइन में कुछ इस तरह का, का काम कर रहे थे अब वही काम हम लोग क्या कर रहे हैं वही काम हम लोग एक ट्री की सहायता से कर रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था सॉर्टेड एलिमेंट्स के बीच में सर्च को देखा था लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को कुछ इस प्रकार से स्टोर करेंगे कि हम लोगों को एफिशिएंट सर्च मिलेगा एफिशिएंट इंसर्शन मिलेगा बहुत कम समय में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं की इसके अंदर बहुत कम समय में हम लोग डिलीट कर सकते हैं बहुत कम समय में हम लोग सर्च कर सकते हैं तो ये हमें एक सुविधा मिलती है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो एक ट्री को बाइनरी सर्च ट्री बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम लोग उसके अंदर इंसर्शन कर सकते हैं लॉग इन टाइम में लॉग इन कैसे आए ये भी आप लोगों को बताता हूं देखो यहाँ पर क्या है कि बाइनरी सर्च की तो हमको मालूम थी कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग इन है लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह का ट्री आप लोगों के सामने आ गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने सर्चेस करोगे ये बताओ मान लो आप वर्स्ट केस में 45 सर्च कर रहे हो आप यहाँ पर आओगे फिर यहाँ पर आओगे फिर यहाँ पर, पर आओगे तो आप क्या करोगे एक दो तीन तीन एलिमेंट्स से कम्पेरिजन्स आप लोग करोगे तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँ कि जो कम्पेरिजन्स आप लोग करोगे वो प्रोपोर्शनल होगा हाइट ऑफ द ट्री या फिर इक्वल होगा वर्स्ट केस में हाइट ऑफ द ट्री के तो मैं कहूँगा हाइट ऑफ द ट्री जितने कंपेरिजन आप करोगे और मान लो एक कंपेरिजन टी टाइम ले रहे हैं तो आपका जो टी एन है यानी कि जो टाइम है सर्च का वो कितना हो गया एच इन टू टी वे टी इज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंपेयर द गिवन एलिमेंट विद अ की ठीक है जो भी आपकी की है उससे कंपेयर करने में एन तो तो हो सकता है ठीक है एच वर्स्ट केस में एन हो सकता है और बेस्ट केस में क्या हो सकता है लॉग इन हो सकता है तो मुझे यहां पर इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा लॉग इन से लेके एन तक जो हाइट होती है ट्री की वो हो सकती है ये हाइट लॉग इन कैसे होती है ये मैंने आप लोग को अपनी रिकॉशन वाली वीडियो में बताया था अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देख लेना क्योंकि मैंने वहाँ पर लॉग क्या होता है और लॉग इन क्यों होती है इस तरह के ट्री की हाइट ये सब आप लोगों को बताया था अभी आप लोगों को अगर नहीं मालूम तो आप लोग मेरी बात को आगे सुनते जाओ जो ट्री है उसकी हाइट बेस्ट केस में लॉग इन और वर्स्ट केस में एन हमारे पास मौजूद है इसीलिए बेस्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिगो ऑफ लॉग इन हो जाती है और वर्स्ट केस में बिगो ऑफ एन हो जाती है अब बिगो ऑफ एन कब होगी बिग ऑफ एन तब होगी जब आपको जिस तरह का ट्री बना लो इस तरह से स्क्यू ट्री आप लोग बना लो अगर तो क्या होगा कि आपकी जो है ये लिंक लिस्ट की तरह हो जाती है और आपकी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ठीक है सर्च की सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई और इसको यहाँ से डिलीट मैं करूँगा अब ये बात तो हमने देख ली कि यार हम इस तरह से सर्च कर सकते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी भी एक एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए हम नीचे की तरफ बढ़ सकते हैं और कंपैरिजन करते हुए डिपेंडिंग अपॉन की जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो गिवेन नोट से बड़ा है या छोटा है और अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर कहूँ कि टू को सर्च करो तो पचास है टू जो होना चाहिए पचास से छोटा होना चाहिए यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो ऑब्वियसली ये नहीं है अब ये क्योंकि बड़ा हो गया है चालीस टू से तो ऑब्वियसली यहाँ पर टू नहीं है तो इस तरह के सर्चेज अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कैसे करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो चालीस के बाद मैं लेफ़्ट में आऊँगा दोबारा और फिर ट्वेंटी जो है वो टू नहीं है तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा होगा कुछ कि अगर मैं टू ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ से मैं यहाँ पर आऊँगा लेफ्ट में यहाँ से फिर से लेफ्ट में आऊँगा और यहाँ पर मैं लीफ नोट पर आ गया तो टू यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा ठीक है तो ये जो कंपेरिज़न है ये मुझे यहाँ पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में करना पड़ा ठीक है तो मैं ये जो कम्पेरिजन्स कर रहा हूँ वो कंपेरिजन्स में प्रोग्रामेटिकली कैसे करूँ ये हमारा अगला सवाल है ठीक है तो यहाँ पर हम जल्दी से क्या करेंगे कि इस तरह के कंपैरिजन का कोड लिखेंगे ठीक है कि यार इसको कोड में कैसे लिख सकते हैं तो अगर मैं सी कोड की बात करूँ अगर मैं बात करूँ सी कोड की कि सी लैंग्वेज में अगर मुझे कोड करना पड़ जाए इस चीज़ को तो कैसे कोड करूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड फॉर सर्चिंग इन अ बी एस टी सर्चिंग इन अ ठीक है ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सी कोड लिखूंगा क्योंकि सी लैंग्वेज का कोड मैं आप लोगों को बताने जा रहा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक फंक्शन बनाऊंगा सर्च और वो जो होगा वो एक पॉइंटर रिटर्न करेगा एक पॉइंटर रिटर्न करेगा नोट टाइप का ठीक है मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट स्टार सर्च और वो क्या लेगा वो लेगा नोट स्टार रूट यानी कि रूट लेगा वो और उसी के साथ साथ वो इंटीजर की लेगा जो कि मैं सर्च कर रहा हूँ ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर इंट की लिख दिया अब क्या होगा यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो रूट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं वो अपने आप में नल हो तो यार अगर वो नल है अपने आप में मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ रूट इक्वल्स टू इक्वल्स टू नल तो आप क्या करें तो ऑब्वियसली यार आप रिटर्न करोगे नल तो रिटर्न नल मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो यार ये तो ऑब्वियस है और इस तरह के अजीब से ट्रीज़ जो हैं इनपुट में आपके आ सकते हैं तो आपको ये कंडीशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी अगर आपकी वो जो की है वो बराबर हो जाए रूट के डेटा के यानी कि अगर कुछ इस तरह से हो जाए मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ जो रूट का डेटा है रूट का जो डेटा है वो इक्वल हो जाए की के तब क्या होगा अगर वो की के इक्वल हो जाए तो ऑब्वियसली यार आप रिटर्न करोगे रूट को यानी कि आप रिटर्न करोगे उस पॉइंटर को जो कि उस नोट पर पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है इस फंक्शन की वो है एक पॉइंटर जो कि उस नोड पर पॉइंट कर रहा है जिसको हम सर्च कर रहे हैं मान लो हम सेवेंटी को सर्च कर रहे हैं एक बी के अंदर तो सेवेंटी वाले नोड पर पॉइंट करता हुआ एक पॉइंटर हमको रिटर्न कराना है और उस पॉइंटर का टाइप क्या होगा उस पॉइंटर का टाइप होगा नोड स्टार ठीक है तो ये सारे बेसिक्स मैंने आप लोगों को पहले से बता रखे हैं और रूट का डेटा अगर बराबर हो जाता है हमारे की के तो मैं रिटर्न करूँगा रूट को और अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ अगर जो रूट का डेटा है अब देखो जो रूट का डेटा है वो या तो ग्रेटर देन हो सकता है की से या फिर लेस देन हो सकता है की से ठीक है इन दोनों में से एक ही केस हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर लेस देन हो सकता है क्योंकि तो तो यार इक्वालिटी तो हमने चेक ऑलरेडी कर लिया है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा अगर वो बड़ा है तो मैं क्या करूंगा तो मैं कहूँगा रिटर्न कर दो क्या रिटर्न कर दो आप रिटर्न कर दो सेम फंक्शन को हमारे लेफ्ट चाइल्ड में तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न कर दो सर्च को मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न सर्च अप्लाइड ऑन लेफ्ट चाइल्ड ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रूट का लेफ्ट और आप सेम की को सर्च करोगे ठीक है कुछ इस तरह से और यहाँ पर आप सेम की को सर्च कर रहे हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा एल्स एल्स आप लोग क्या करोगे एल्स आप लोग रिटर्न करोगे रिटर्न मैं सेम सर्च फंक्शन को कॉल करूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिखूँगा मैं रूट राइट right, और उसके बाद मैं सेम की को यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्च करूंगा ठीक है और ये मेरा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है ये फंक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है तो मैंने यहाँ पर क्या किया ज़रा से आपको इसको इसके फीचर्स बता देता दूँ यार मैंने क्या क्या किया है यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देख लिया कि क्या रूट नल है यहाँ पर मैंने देख लिया क्या रूट नल है अगर रूट नल है तो रिटर्न कर दो नल को यानी कि अगर मेरा ट्री कुछ इस तरह से दिखता है इसकी जो है वैल्यूज कुछ इस प्रकार से होंगी ताकि ये एक वैलिड बी बना रहा है ठीक है मैं इसको जरा इस तरह से बना रहा हूँ अभी शॉर्ट में सिर्फ समझाने के लिए जल्दी जल्दी मैं बिना वैल्यूज़ के बना रहा हूँ ठीक है यहाँ पर कोई छोटी वैल्यू होगी यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू होगी ठीक है तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर रूट की वैल्यू ऑलरेडी नल है यानी कि नल आपने सप्लाई कर दिया इसको तो ये नल को रिटर्न कर देगा लेकिन अगर रूट का डेटा की के बराबर है यानी कि जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं वो यहीं पर आपको मिल जाता है तो आप ऑब्वियसली रूट को रिटर्न कर दोगे वेर रूट इज़ द पॉइंटेड टू दिस नोट ठीक है ये पी टी आर जो है हमारा एक पॉइंटर है वो जो कि रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पर जो रूट सप्लाई हो रहा है उसका टाइप क्या है नोड स्टार यानी कि पॉइंटर टू अ नोड है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सेम की आपको यहीं पर मिल जाती है तो आप इसको रिटर्न करोगे लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं तो इसीलिए आपका जो डेटा होगा वो तो यहाँ तो लेफ्ट सेप्ट्री में होगा या राइट right सेप्ट्री में होगा ठीक है अब ये हमें पता करना है कि लेफ़्ट सेप्ट्री में है या राइट right सेप्ट्री में है लेफ्ट सेप्ट्री में कब होगा लेफ्ट सेप्ट्री में तब होगा जो गिवन डेटा है आपका यानी कि ये वाली जो की है ये अगर बड़ी है या फिर अगर की जो है वो छोटी है कैसे भी करके आप कह सकते हो अगर जो की है वो छोटी है इस वाली वैल्यू के तो आप लेफ्ट सबट्री ट्री में जाओगे ठीक है तब आप इस वाले ट्री के पीछे जाओगे और अब यहाँ पर खोजबीन शुरू करोगे वरना आप यहाँ पर खोजबीन शुरू करोगे यानी कि सेम फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दोगे तो दोनों में से आप कहीं पे भी इस फंक्शन को कॉल करोगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो वैल्यू है जो कि आप सर्च कर रहे इस स्ट्रीम है वो रूट की वैल्यू से यानी कि करंट रूट की वैल्यू से ये वाले नोट की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है ठीक है तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी बस उसको मैंने कोड में लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ ये चीज़ यहाँ तो पर आप लोग देखो कि अगर मैं लेटर से टू ट्वेंटी वन को ढूंढ रहा हूँ ठीक है तो मैं सबसे पहले फिफ्टी से पूछूंगा कि यार ट्वेंटी वन तुमसे बड़ा है या छोटा है फिफ्टी बोलेगा छोटा है यार तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा यानी कि इसमें अब मैं सर्च करूँगा फिर मुझसे फिर मैं फोर्टी से पूछूँगा ट्वेंटी वन तुमसे बड़ा है या छोटा है और ही छोटा है तो मैं यहाँ पर खोजूंगा फिर मैं अब ट्वेंटी से पूछूंगा ट्वेंटी वन से बड़ा है छोटा है ट्वेंटी वन तो बड़ा है ट्वेंटी वन से लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है तो इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है और इसीलिए जो है यहाँ पर यह कुछ ऐसे हो जाएगा ठीक है सो आई होप कि यार आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे हम लोगों को एक पी में सर्च करना है अपने अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को इस चीज़ को कर कोड करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ये जो कोड है इसको लिख कर और चला के दिखाऊंगा एक वैलिड बी के लिए सो so, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो कोड मैंने आप लोगों को दिखाया है इसको प्रैक्टिस करें और आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी यार चीज़ें क्योंकि मैंने यहाँ पर आप, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें बता रखी हैं समझा रखी हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स पसंद आ रहा है अभी के लिए इस वीडियो में इतना गए इस Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.